चलो फटाफट हम रिलेट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ। एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, राइट। तो हमने एक सर्कल ले लिया, ये हो गया एक्सेस। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सपोज पार्टिकल अभी यहां पहुंचा और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट पार्टिकल ने जो एंगल बनाया दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। और ये है सर्कुलर मोशन का रेडियस दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए। तो अगर आप इसका एक्स प्रोजेक्शन लिखते हो कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो परछाई पड़ेगी एक्स वो कितनी होगी, तो आप सिंपल देखो ओमेगा प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव का एडजेसेंट कंपोनेंट है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी कहां बनेगी वो चेक करते हैं, तो सर्कुलर मोशन में बेटा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी, v इक्वल टू ओमेगा इनटू a, दैट्स द वेलोसिटी v। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट पड़ेंगे, एक होगा अलोंग द x एक्सिस, एक होगा अलोंग द y एक्सिस, जिसका हमें कोई काम नहीं है अभी। अगर ये एंगल ओमेगा t प्लस फाइव है तो ये एंगल क्या बनेगा, ओमेगा t प्लस फाइव, राइट। और ये क्या बनेगा, 90 माइनस। तो आप सिंपली अगर यहां वर्टिकल ड्रॉ करते हो तो बेटा ये एंगल क्या बनना है आपका, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये एडजेसेंट कंपोनेंट बना, तो ये अपोजिट कंपोनेंट बनेगा, तो ये अपोजिट कंपोनेंट क्या बनेगा वेलोसिटी का, ओमेगा ए का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कहां जा रहा है ये, प्लस में के माइनस में, माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये माइनस। समझ आया आपको मैंने क्या लिखा है, तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो सर्कुलर मोशन है बेटा एक्सेलरेशन कहां होगा वो भी देख लेते हैं, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर्कुलर मोशन में, टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। ये आपको बेसिक फॉर्मूला आता होगा, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। आर क्या है, अभी ए है, हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, एक्स कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट इस तरफ जाएगा एक्सेलरेशन का, यस और नो। अगर ये ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये उसका एडजेसेंट कंपोनेंट बना, क्या बनेगा एडजेसेंट कंपोनेंट, ओमेगा स्क्वायर ए का एडजेसेंट, मतलब कौन सा कंपोनेंट, कॉस। कॉस क्या लेंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव। किस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए का कौन सा कंपोनेंट, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कहां जा रहा है, नेगेटिव में, तो क्या लगा देंगे यहां पर माइनस। इज इट क्लियर, समझ आ गए तीनों कंपोनेंट जो हमने किया है वो। चलिए फाइन, तो यही आपको थोड़ा रिवाइज करवाना था मुझे।